नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं याशिका गुप्ता। गणपति बाप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। जी हां, आज चारों ओर यही गूंज सुनाई दे रही है। खासकर मुंबई में पूरी नगरी बाप्पा की भक्ति में डूबी हुई है और घर बैठे आपको दर्शन कराने के लिए हम मुंबई से लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं मुंबई के सबसे पुराने और प्रसिद्ध लालबाग के राजा की सफारी, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। वहीं दूसरी तस्वीर है गणेश गली के मुंबई चार राजा की, जिनकी सुबह सवेरे आरती कर निकाली गई यात्रा, जो कुछ ही देर में गिरगांव चौपाटी पहुंच जाएगी। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई गणपति पंडाल की। ये नज़ारे वाकई में अद्भुत हैं। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले लालबाग के राजा, क्या आम क्या खास, हर कोई पहुंचता है लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए। सबसे फेवरेट, सबसे प्रसिद्ध लालबाग के राजा माने जाते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के सबसे पुराने पंडाल की, गणेश गली की। और तीसरी तस्वीर है पुणे की। आज देश भर में इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ, ये मुंबई की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही पुणे की भी। लेकिन देश भर में गणपति विसर्जन को धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसी आस के साथ कि अगले बरस बाप्पा जल्दी आएंगे और बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगे। गणपति विसर्जन की यात्रा में मुंबई में सबसे पहला नंबर आता है गणेश गली के मुंबई चार राजा का, जो कुछ ही घंटों में गिरगांव चौपाटी पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले भक्तों ने बाप्पा की भव्य आरती कर फूलों के साथ उनका स्वागत किया। मुंबई चार राजा की विदाई। ढोल नगाड़ों से गूंज उठी गणेश गली। फूल से नहाए गणपति बाप्पा। भक्ति के रंग में डूबे भक्त। देश भर में 10 दिनों से चल रहा भव्य गणपति उत्सव आज अपने अंतिम चरण में आ गया। नम आंखों से बाप्पा के भक्त उन्हें विदाई दे रहे हैं। 10 दिनों तक गणपति महोत्सव की धूम रही। गणपति पूजा को लेकर मुंबई के लोगों में हर साल गजब का उत्साह दिखता है और इसी जोश के साथ बाप्पा के भक्त उनकी भव्य विदाई करते हैं। सालों की परंपरा के अनुसार सबसे पहले मुंबई चार राजा यानी गणेश गली के बाप्पा की विदाई का कार्यक्रम शुरू होता है। सुबह सवेरे गणेश गली के मुंबई चार राजा की भव्य आरती की गई। पंडाल में भक्त सुबह से ही जुटने शुरू हो गए थे। हजारों लोगों ने विदाई से पहले बाप्पा का आखिरी बार आशीर्वाद लिया और उनकी भव्य पूजा की गई।
जैसे ही बापा की सवारी पंडाल से बाहर निकली, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों के साथ जिधर से गणपति निकल रहे हैं, भक्त उन पर फूल बरसा रहे हैं। बापा पर फूलों की बारिश का यह नजारा देखते ही बनता है। जिस गली और चौराहे से गणपति बापा की सवारी आज निकलेगी, उनका स्वागत इसी तरह से फूल मालाओं के साथ भक्त करेंगे। हर बरस की तरह बापा के भक्तों ने उनसे अगले बरस जल्दी आने का वादा लेकर ही शुरू की उनकी विदाई की ये भव्य यात्रा। जो शाम करीब 5 बजे तक गिरगांव चौपाटी पर पहुंचेगी, जहां पर किया जाएगा उनका विसर्जन। लेकिन उससे पहले गणपति गली गली जाकर अपने भक्तों का हाल चाल लेंगे और बापा के भक्तों को मिलेगा विसर्जन से पहले उनका आशीर्वाद पाने का आखिरी मौका। वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई आज तक। विशाल है विघ्नहर्ता का आकार और अद्भुत है बापा का रूप। चक्र शंखधारी भगवान गणेश की दिव्य छवि भक्तों का मन मोह लेती है। जी हाँ, किसी महाराजा की तरह ही होता है लालबाग के राजा का श्रृंगार, और एक राजा की तरह ही की जाती है लालबाग के राजा की विदाई। और राजा के दर्शनों के लिए चलिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह घुनावत के पास। मुंबई के सबसे VIP, सबसे पॉपुलर और सबसे सेलिब्रिटी गणेश मूर्ति लालबाग के राजा आ गए हैं। मेरे भाई और आप देख सकते हैं लालबाग के राजा की सवारी आ गई है। मुंबई वासी इंतजार कर रहे थे इनकी पहली तस्वीर देखने के लिए। 11 दिनों के गणेश उत्सव के बाद पहली बार अब लालबाग के राजा बाहर निकले हैं, पंडाल के बाहर, और ये विसर्जन होने के लिए निकल पड़े हैं। लालबाग के राजा की ये जो जो जो, जो तस्वीर देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं, लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी है कि संभाले नहीं संभल रही है। यहाँ लालबाग के राजा यहाँ आए हैं और यहाँ से यूटर्न मार के वापस इसी जगह पे आएंगे, लेकिन तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाएंगे लालबाग के राजा को यहीं इसी 1 किलोमीटर के दायरे में घूमने में। लालबाग के राजा को देखने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त है। लालबाग के राजा की जो सवारी होती है वो गिरगांव चौपाटी पहुँचती है कल सुबह 6 बजे। बहुत ही लंबा सफर तय करने के बाद लालबाग के राजा यहाँ से निकलते हैं। इस लालबाग के राजा को पुष्प वृष्टि दी जाएगी अगले 2-3 घंटों में। लेकिन लालबाग के राजा को कहते हैं कि ये मन्नत की मूर्ति है, ये जो भी आपकी जो भी मन में जो भी श्रद्धा है, भावना है, जो भी आप इच्छा रखते हैं, अगर इस मूर्ति को आप देखें, इसे दिल से आप इनके पूजन करें, दिल से आशीर्वाद मांगे, तो आपकी हर मुराद पूरी होती है। यही लोगों की तमाम मानना है। लालबाग के राजा एक कहते हैं बहुत ही साल पुराना है, मछुआरों की मूर्ति होती है। यहाँ फूलों की वरमाला उनको पहनाई जा रही है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही जहाँ जहाँ जिस जिस गली से वो गुजरेंगे, उनको फूलों की वरमालाएं, पैसे की वरमालाएं, यहाँ लोग आशीर्वाद लेने पहुँचेंगे। जो जो यहाँ नजदीक आता है उनको नारियल देते हैं, और जिसके हाथ में आता है नारियल तो उनको लगता है कि हम यहाँ आके हमारा जो मेहनत है, जो हमारी भावना है, वो धन्य हो गई है। तो अगर देखा जाए तो लालबाग के राजा को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ कई लोग राजस्थान से आए हैं, सूरत से आए हैं, बड़ौदा से आए हैं। देखा ये लालबाग के राजा अभी यूटर्न मार रहे हैं, और यहाँ से यूटर्न मार के वो सीधा वापस इसी जगह पे आएंगे, और अगले 2-3 घंटों के बाद उनकी फूलों से उनके स्वागत किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद सुबह 6 बजे ही लालबाग के राजा गिरगांव की चौपाटी पहुंचेंगे। कैमरामैन मनीष श्रीदास, वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई आज तक। जुहू चौपाटी पर भी नजारा बेहद भव्य है, जहां वो परिवार मौजूद है जिन्होंने अपने घरों में गणपति की स्थापना की। ऐसे ही एक परिवार से बात की हमारी संवाददाता सखी ने। मुंबई के जुहू बीच पे गणेश विसर्जन के दिन बड़े ही जोरों शोरों का माहौल बन गया है। गणपति बापा को जो 10 दिन पहले विराजमान करके अपने घर ले आए थे, आज उसे वो अलविदा कहने वाले हैं। बापा मोरिया की गूंज यहाँ पे बीच पे सुनाई दे रही है। सिक्योरिटी भी काफी तगड़ी की गई है। राकेश मारिया जो पुलिस कमिश्नर है मुंबई के, उन्होंने भी आके सिक्योरिटी चेक किया है, ताकि जो घर और जो परिवार यहाँ आए उनको ज्यादा कोई इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो।
हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक चौकसी परिवार से जो 10 साल से ज्यादा गणपति बापा को अपने घर पे विराजमान करते आए हैं। सर, ये 10वां साल और 10 साल से ज्यादा आप ये कर रहे हैं, ये क्या स्पेशलिटी है कि गणेश विसर्जन के दिन या गणपति को आप लेके आते हैं, और आज के दिन का क्या महत्व है आपके? आज के दिन का महत्व ये है कि फैमिलीज जो है वो साथ में हो जाती हैं। लोगों के पास जब टाइम नहीं होता, आज के दिन एवरीबॉडी इज़ वेरी बिजी, लेकिन गणपति इज़ अ फेस्टिवल वेर एवरीबॉडी मेक सम टाइम एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, तो और लोग और भी अच्छा लगता है लोगों को। तो हमारे लिए तो यही स्पेशल है कि ये हमारी फैमिली को ज़्यादा क्लोज लेके आता है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में। बिल्कुल, बहुत ही प्यार से गणपति बाप्पा को जो साथ लेके आते हैं अपने घर में, उनको अभी अलविदा कहने वाले हैं। ऐसे बहुत से परिवार यहाँ बीच पे मौजूद हैं जो गणपति बाप्पा की पूजा कर रहे हैं और तैयार हो रहे हैं कि अगले सालों में गणपति वैसे ही उनके साथ बहुत प्यार से उनके घर पे सुख और समृद्धि लेके आए। कैमरामैन गणेश के साथ सखी देश पांडे आज तक। अब हम आपको लेकर चलते हैं पुणे, जहाँ हमारे संवाददाता पंकज खेलकर मौजूद हैं उस शोभा यात्रा में जिन्हें पुणे के पांच सम्मान गणेश के नाम से जाना जाता है। पुणे गणेश उत्सव में सम्मान के पांच जो गणेश हैं उन्हें सम्मान मिलता है। ये जो विसर्जन मिरुनुक है उसमें शामिल होने का, हमारे साथ अभी ये जो गणेश है वो पांच सम्मान के गणेश में से एक है। उनके अध्यक्ष से पूछेंगे क्या खासियत, आपके गणेश की खासियत क्या है और सम्मान के गणेश में कौन सा नाम? हमारा गणेश जी की खासियत ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम का गणपति है, दोनों समाज के लोगों ने एक मिलके ये गणपति की स्थापना की ली, और जो पुणे के पांच सम्मान के गणपति है उसमें का हमारा सम्मान का 3 नंबर का गणपति, और महाराष्ट्र में एक ही मूर्ति ऐसी जो मुशक पे रूढ़ है गणपति, और सबसे ज़्यादा 128वां साल है हमारा है, और 28 साल हम कौन से लोगों से वर्गनी डोनेशन नहीं लेते, सिर्फ मंडल के कार्यकर्ते मित्र मंडल के सहभाग से ये हम सब उत्सव मनाते हैं। पुणे में ये भी एक देखा गया है कि ऐसी गणेश मूर्तियां हैं जिसका विसर्जन नहीं होता और कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिसका विसर्जन होता है, तो क्या आपके मूर्ति का विसर्जन होता है और क्या उसके पीछे की वजह क्या है? हमारा ये उत्सव मूर्ति का विसर्जन नहीं होता, लेकिन जो पूजे की हम सेम वैसी छोटी मूर्ति बनाते उसका हम विसर्जन करते, या आज तक की हमारी परंपरा है उसके। इसमें इस गणपति का महत्व क्या है, कितना कौन सा स्थान है और मूर्ति की क्या विशेषता है? ये पुणे के जो मान के पांच गणपति है उनमें से ये दूसरा गणपति है, ग्राम दैवत जो है तांबडी जोगेश्वरी उसका ये गणपति है। ये पूरा इको फ्रेंडली है और पूरा शाडू से बना है, ये शाडू मिट्टी रहती है उसका, और ये हर साल विसर्जन होता है। ये जो मूर्ति बनाते हैं श्री गुलुंजकर करके है, उनकी चौथी पीढ़ी है ये मूर्ति बनाती है। पुणे में जो खासियत है कि बहुत से ऐसे गणेश है जिसका विसर्जन नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े बड़े रहते हैं और समंदर नहीं है इधर, तो अगर पूरा सब विसर्जन करेंगे तो पानी का प्रदूषण वगैरह बढ़ेगा, तो रखते हैं वो। जो पहले पांच गणेश हैं उनमें से कौन से गणेश का विसर्जन होता है? जो सम्मान का पहला गणपति है उसका, सम्मान का दूसरा गणपति और सम्मान का पांचवा गणपति, उसका विसर्जन होता है हर साल। ये जो प्रोसेशन है पुणे की जो प्रोसेशन चलती है 37 घंटे चलता है, 36 आवर्स, ऐसा क्यों? वो तो मैं नहीं बता सकता, जो हमारे जो पहले सम्मान के पांच गणपति वो टाइम टू टाइम रहते हैं, उसके बाद क्या होता है हमको मालूम नहीं। ये बताइए कि लोगों की इतनी श्रद्धा पहले सम्मान के पांच गणपतियों के प्रति क्यों है? ऐसा नहीं है, सब गणेश जी के प्रति पुणे की सब जनता की प्रेम है, आदर है, पहले से ही जब से पेशवा है उनके पहले से ही पुणे का ये जो गणपति दैवत है वो लाड़का रहा है। जी हाँ, बापा को सब विदाई दिखा दे रहे हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई के जुहू बीच का नजारा, जहाँ क्या बड़े और क्या बच्चे सभी बापा की भक्ति में डूबे हैं। स्कूली बच्चों का एक ग्रुप, देखिए कैसे ये बच्चे संगीत की धुनों पर थिरक रहे हैं और बापा को दे रहे हैं अनोखी विदाई। खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं मुंबई के जुहू बीच का, जहां पर स्कूली बच्चों का पूरा एक ग्रुप पहुंचा है और अपने ही अंदाज में ये बापा को विदाई दे रहे हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज से गणपति बापा को विदाई दे रहा है, इसी कामना के साथ कि अगले बरस वो आएंगे, जल्द आएंगे। धर्म में फिलहाल इतना ही,
लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।